श्रमिकों के बेटे बेटियों को किया गया 500 साइकिल का वितरण। नगर विधायक के प्रयासों से फिरोजाबाद क्लब में हुआ उक्त कार्यक्रम आयोजित। कहा, कोई वंचित नहीं रहेगा, किसी को पहले तो किसी को बाद में, पर मिलेगी जरूर। फिरोजाबाद नगर विधायक मनीष असीजा के प्रयासों से पुनः फिरोजाबाद क्लब में लगभग 500 श्रमिक भाइयों की बेटे बेटियों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साइकिल पाकर पात्र बेटे बेटियों के चेहरे खिल उठे। नगर विधायक मनीष असीजा ने बताया, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 500 साइकिल का वितरण किया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, भाजपा के समूचे संगठन नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि वर्षों से जिन क्षेत्रों में काम नहीं हुए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उक्त क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। किसी को पहले तो किसी को बाद में, पर सभी पात्रों को साइकिल वितरित किया जाएगा। ये 500 साइकिलें बच्चों को बटी हैं। ये संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत ये लगभग 4000 रुपये लागत की हरकुलिस कंपनी की साइकिल है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में आप सब देख रहे होंगे कि श्रमिक योजनाओं में बहुत काम हो रहा है, और इससे पूर्व भी हम लोगों ने लगभग 1200 साइकिलों का वितरण किया था। आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको साइकिल नहीं मिल पाई है। अगले चरण में शीघ्र ही इसी आचार संहिता से पहले उनको भी साइकिलों की उपलब्धता कराई जाएगी। ये योजना लगातार चलने वाली है। मान लो किसी को किसी कारण से आज टोकन नहीं मिल पाया, तो अगले चरण में मिल जाएगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पात्र है, वो बचेगा। इसके लिए मैं माननीय योगी जी, माननीय श्रम मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी और अपनी भारतीय जनता पार्टी के समूचे संगठन नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बरसों से जिन क्षेत्रों में काम नहीं हुए, उन क्षेत्रों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार काम। विधायक जी, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पहले रजिस्ट्रेशन हुए उन्हें नहीं मिली, बाद में रजिस्ट्रेशन हो गए उन्हें मिल गई है, ऐसा कैसे हुआ है? देखिए, मुझे आपके सवाल का अंदाजा तो था नहीं आप ये करने वाले हैं, लेकिन मैंने यही कहा है कि एक भी व्यक्ति रहेगा नहीं। अब इसका सवाल जवाब सामान्यतः तो श्रम विभाग के लोग देंगे। ऐसा तो हो नहीं रहा है। जब इतने बड़े लेवल पर साइकिल बट रही है, तो जिनको नहीं बट रही, मैंने कहा ना अभी आने वाले 2-4 दिन में फिर आपके सामने ही बटेंगी, और एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा, ये मैं जरूर जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। क्योंकि बजट की इसमें कोई सीमा नहीं है। जितने लोग पंजीकृत हैं, आप समझ रहे हैं ना माननीय पत्रकार जी, कि जितने लोग हैं रजिस्ट्रेशन में, यानी जिन्होंने भवन सन्निर्माण का कार्ड रजिस्ट्रेशन में करा रखा है, उनको हर कार्ड, उस कार्ड के हिसाब से हर सुविधा मिलकर ही रहेगी। ये जरूर हो सकता है कि एक दिन आगे एक दिन पीछे हो जाए।